बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 5 जो के है मुख्तसिर कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, वो है कि 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इकट्ठा लिखेंगे, यानी कि इसको अंडर रूट डाल के 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, तो अंडर रूट 21 हमारा आंसर आ गया। आगे इसका हमने पार्ट टू करना है, अंडर रूट 4 है और अंडर रूट के ऊपर 5 है, इसी तरह 128 अंडर रूट है 5। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 128 इनको कर लेंगे, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, इसलिए इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे 5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा और अंडर रूट 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 पार्ट है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देती हूँ, 3 बिल्कुल सेम इसी मेथड से होना है। और 4 जो है वो हम देख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 32 अंडर रूट 9, 2 ऐसे लिखेंगे। पहले इसको करते हैं, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू होता है 32 के, तो अंडर रूट आ गया 9। ये 5 मल्टीप्लाई बाय ये जो होती है ये 1/9 यहाँ पर आ जाएगी, तो 2 अंडर रूट ऐसे ही आ जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो ये 2 1/2 डिवाइडेड बाय 2 5/9, तो ये डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इसको डिवाइड में लिखेंगे। उसके बाद इसमें ऐसे लिख लेंगे 2 1/2 माइनस ये जो डिवाइड नीचे वाली वैल्यू होती है 2 कॉमन ले लिया है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको ऊपर लेके जाने के लिए माइनस में हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 2 18, 18 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 1 9, इसी तरह 18 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 2 10 लगा देंगे। इसी तरह ये 2 10 में से 1 निकाला, 10 में से 9 माइनस किए तो -1/18 आ गया। माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 ऊपर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 1/9, 9 2 18, 9 2 18, ये इसको खोल के लिखा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया है। ठीक है, तो 9 2 18 आ गया, तो 2 की पावर 9 जो है ये मरा आ गया। ये जो पार्ट इसका 5 जो है वो हमारे पास है 1 1 18, 118 अंडर रूट है 5 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट है ऐसे। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे 1 1 18 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट लगाएंगे 5, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड है, तो 2 1 1 18 ओवर 2 अंडर रूट है हमारे पास 5, तो 2 1 2, 2 5 10 और 1 यहाँ पे आ गया, 2 9 89, तो 59 अंडर रूट 5 हमारा आंसर आ गया। आगे हमने करना है पार्ट 6, वो हमारे पास 27 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 81 अंडर रूट। तो ये करेंगे हम 27/81 तो 9 3 27 और 9 9 81, तो आ गया 3 1 3 और 3 3 9। सॉरी अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, तो ये 3/9 आ गए, 3/9 अंडर रूट है, इसकी पावर बनाते हैं तो 3 की ऐसे ही आ जाएगा, और 3 की पावर 2 बन जाएगी। ठीक है, ये दोनों को इकट्ठा हम नीचे तक भी लेके आ सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा और इस पे कैंसिल हो जाएगा। आगे इसका पार्ट 7 हमने करना है, ये तो पार्ट 7 जो है वो हमारे पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अच्छा, ये जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे इन दोनों को, और अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसको कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 2/3, ए इसका और इसका एलसीएम ले लिया, 4 3 12 आ गया, 12 लगाया और 12 को अंदर रखा और 4 पे डिवाइड किया, 4 3 12, 3 1 3 प्लस 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, 3 4 12 और 4 2 8 आ गया। ठीक है, 8 और 3 11 होते हैं, 11/12 आ गया, इज इक्वल टू आएगा ए, ये वाला ए, ये 11 पावर बन जाएगा, और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा आंसर आ गया।
आगे हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखना है। 7 और 8 क्वेश्चंस जो है ना ये दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ जी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, x6/7, y1/4, x6/7 है, y1/4 है, इन दोनों को इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 को 4 के साथ और इसको इसके साथ। तो यह आएगा 6/7 × 1/4, 6 4 = 24 और 7 1 = 7, 24/7, और ये वाला 4 जो नीचे है ये यहाँ पे पावर बन जाएगी, ठीक है। x 24/7, ये इस तरह से नहीं, हम इस तरह से लिखेंगे x 24/7 और y, और यहाँ पर पावर आ जाएगी 4, ठीक है, ये ऐसे करना है। आगे क्वेश्चन नंबर हमने करना है 9, वो है x 3/4, y 1/6, और ये जो 6 है इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो 3/4 × 6, इसी तरह y 1/6 × 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 9/2, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एक्स जो है ये है हमारे पास 9, जो नीचे है ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और वाई जो है ये हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर तो अंडर रूट के बाहर वाली साइड पे लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जी। तो आगे हमने करना है इसका पार्ट 10 जी। तो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, x^3 y^2 × x^3 y^3 x^4 − 1/3, ठीक है। इसको पहले हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई लगाएंगे, और ये जो है वैल्यू इसको इन दोनों के साथ, तो x^3 1/2 y^2 है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसी तरह y^3 × x y^3 × y − 1/3 और x^4 − 1/3। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो इसको सॉल्व किया है हमने, 3 1 = 3/2 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो y आ गया, और इसी तरह ये दोनों कैंसिल हो गए तो -1, और x का ये 4 1 = 4 − 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं, x है 3/2 − 4/3 और y है हमारे पास -1, इसका एलसीएम लेंगे, 3 2 = 6 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा 9 − 3 2 = 6 और 4 2 = 8, ठीक है। आगे y जो है वो हमारे पास है -1, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा x में, तो मल्टीप्लाई बाय y जो है वही हमारे पास है -1, तो ये y − 1 = होता है हमारे पास 0 के, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, और ये जो x है ये हमारे पास रह जाएगा, ये नीचे -6 है तो ये वाला 6 यहाँ पर, और यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं इसकी वैल्यू नहीं होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। नंबर 11 हम लोग देख रहे हैं, x^3 y^2 1/4 है, और x^1 / 3 है y 3/4 है, पहले इसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, और इन दोनों इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, x^3 × 1/4 और x^2 × 1/4, 2 ये और 1/4 ये, इसी तरह मल्टीप्लाई x^1 / 3 × ये वाला 3/4, और y वहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 लगाएंगे और 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x 3 1 = 3/4, ये 2 कैंसिल हो गया था तो y रह गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय x, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 1/4 और y 3 1 = 3/4, ठीक है। आगे देख लेते हैं, x है हमारे पास जी। तो आगे x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने इकट्ठी लिख लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये वाली वैल्यूज़ हमने इकट्ठी लिखी थी। आगे इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है, तो x आएगा 4 LCM 3+1 और y का 4 LCM 2+3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का 3 और 1 4/4 आ जाएगा, और y का हमारे पास आएगा 3 और 2 5/4, अच्छा ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हम दोनों को क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो ये बाहर आ जाएगी, तो ऊपर 4 है और इधर 5 है, तो x के ऊपर 4 और y के ऊपर 5, ये यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया।
जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।